गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? अभी घड़ी में हुआ है 8:30 और हम सो के उठ चुके हैं, और मेरी वाइफ भी हैं यहाँ पे, वो भी सो के उठ हेलो, चुकी गुड हैं। मॉर्निंग गाइस। बच्चे अभी सो रहे हैं। बाहर का मौसम ठंड है, बाहर ठंड है, बादल है आसमान पे, इसलिए धूप नहीं निकला है, सो थोड़ा सा ठंड है। और अब अभी हम उठ के चलेंगे, थोड़ा सा चाय पानी नाश्ते के लिए, चाय चाय पियेंगे बेसिकली, थोड़ा सा चाय चाय की चुस्की लेंगे क्योंकि काफ़ी ठंड है बाहर। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं चाय पीने के बाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम अभी चाय का चुस्की ले रहे हैं, बाहर मौसम ठंड है, तो हमारे पीछे छोटू जी भी हैं, वो भी चाय पी रहे हैं, ये मेरी वाइफ हैं, तो अभी हमने पीजिए। पी थी चाय। ये चाय नहीं पीती हैं, तो हम दोनों चाय पी रहे हैं। और हम चाय पी के अभी हम जाएंगे मार्केट की तरफ, क्योंकि छोटू जी को बस पकड़ाना है, इनको आज निकलना है, कुछ काम है इनके घर पे। तो फिर मिलते हैं अगले पॉइंट पे। सो दोस्तों, अभी समय हो रहा है 10 और हमारे यहाँ हो रहा है बारिश। सुबह में हल्की धूप थी, लेकिन पता नहीं बादल कहाँ से आ गया और मौसम ठंडा कर दिया, और अभी हो रहा है हल्की हल्की बारिश। तो आप देख सकते हैं ये मौसम कैसा हुआ है, और अभी काफ़ी बारिश हो रहा है। सो मौसम बहुत ठंड हो चुका है, हवा भी है, ठंड हवा भी है। और अभी हमें जाना था मार्केट, सो अभी हम नहीं जा पाए हैं क्योंकि बारिश हो रही है। सो अभी बारिश में अगर हम भीगेंगे तभी तबीयत खराब होने का चांसेस है, इसलिए हम अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, बारिश रुकने का वेट करेंगे। तो दोस्तों, अभी शाम के बजे हैं तकरीबन 4:30, तो ये शाम का समय हमारे सैर सपाटे का टाइम होता है मेरे। सो मैं निकला हूँ अपने गांव के खेतों के तरफ, पीछे हमारा तालाब है, आप देख सकते हैं। सो मॉर्निंग वॉक तो नहीं हो नहीं पाता मेरे से, क्योंकि लेट थोड़ा सा लेट उठना होता है, तो इवनिंग वॉक करता हूँ मैं। सो शाम के 4, 4:30, 5 बजे के तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं निकलता हूँ अपने गांव के आगे पीछे जो भी खेत हैं या बागान है, उसको देखने के लिए बस निकलते हैं। तो एक इवनिंग वॉक का भी टाइम होता है ये। यहाँ पे बारिश हो रही तो थी, तो ठंड काफ़ी है और धूप नहीं निकली है ठीक से आज दिन में। सो आज थोड़ा सा मौसम में ठंड है, तो ठंड होने के कारण से हम ज़्यादा दूर तक आज नहीं जा पाएंगे सैर सपाटे के लिए, तो नज़दीक नज़दीक में निपटाते हैं। तो अब यहाँ से हम यहाँ घूम लिए इधर इस एरिया में, अब चलते हैं कुछ और एरिया में घूमेंगे, फिर उसके बाद घर वापस लौटेंगे। घूमते टहलते मैं आ पहुँचा हूँ अपने गांव के जो छोटा सा मार्केट लगता है वहाँ पे। तो यहाँ पे एक नाई का शॉप है मेरे पीछे, आप देख रहे हैं, तो मैं इस शॉप पे थोड़ा सा अपना सेविंग कराऊंगा। सो चलते हैं अंदर और देखते हैं ये नाई का शॉप जो है कैसा है, क्योंकि ये जो नाई है वो मेरे काफ़ी क्लोज रहा है ये। सो आप देख सकते हैं कुछ लोग इस दुकान में बैठे हुए हैं, और वो लोग यहाँ पे बैठ के कुछ मूवीज़ देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, अपने टर्न का वेट कर रहे हैं। तो मुझे भी अपने टर्न का वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, ये हैं मदन ठाकुर। हेलो ब्रो। हेलो। और मैं कराने जा रहा हूँ अभी सेविंग, तो मिलते हैं सेविंग के बाद। तो दोस्तों, सेविंग करवा के मैं आ चुका हूँ घर, और मैं हूँ अभी किचन में, तो मैं बना रहा हूँ अपने लिए चाय। अब देख रहे हैं, मेरे देख सकते हैं मेरी चाय बन रही है अभी। सो इस थोड़ा सा ठंड है तो चाय ज़रूरी है। तो गाइस, चाय मैंने पी लिया, अब चाय पी के मैं आ गया हूँ अपने रूम में। मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर आपसे बातें करने के लिए, कुछ बातें आपसे शेयर करनी है। जो पहला ब्लॉग हमने अपलोड किया था उसके उसके रिलेटेड, तो उस ब्लॉग को काफ़ी व्यूज़ मिला और काफ़ी आपका कमेंट मिला। सो बैठे हैं यहाँ पे, मेरी वाइफ भी मेरे साथ है, हेलो गाइस। सो हम बैठे हैं यहाँ पे आपको स्पेशली थैंक यू बोलने के लिए, आपने इतने सारे कमेंट्स दिया है। सो उस कमेंट से हम काफ़ी कुछ सीखेंगे, हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है कमेंट से कि अगला वीडियो हम कैसे बनाएं, और आपको कुछ कुछ नया मिले, कुछ अच्छा देखने को मिले। सो उसके लिए हम बैठे हुए हैं, तो मैं एक एक करके कमेंट आपका पढ़ता हूँ। सो पहला कमेंट है नेहा नेहा राजपूत का। सो इन्होंने लिखा है सुपर विथ टू थम्स लाइक सिंबल। थैंक यू नेहा जी, आपका कमेंट देख के हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। अगला कमेंट है श्वेता सिंह, वेरी नाइस ब्लॉग, थैंक यू श्वेता जी। नेक्स्ट कमेंट है चांदनी कुमारी का, सुपर, सो थैंक यू चांदनी जी। अगला कमेंट है हर्ष सिंह का, नाइस। सो गाइज, हर्ष सिंह थैंक यू वेरी मच। सो गाइज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कमेंट है ये काफ़ी हमें कॉन्फिडेंस देता है कि आप देख रहे हैं, आप अपना प्यार दे रहे हैं हमें, हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। और कॉन्फिडेंस, बेसिकली जब इंसान को कॉन्फिडेंस आता है तो वो और आगे चल कर अच्छा काम करता है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। सो
अब आगे का कमेंट पढ़ेंगी मेरी वाइफ। कैमरा पकड़ो आप, कहाँ आकाश तक पकड़ो। आकाश कुमार, तो गाइस अगला कमेंट है आकाश कुमार का। ऑसम, थैंक कीप इट अप। यू आकाश जी, ये आपने तो पढ़ दिया था। सौरभ राव, हाँ सौरभ राव, इन्होंने इन्होंने नाइस बोला है। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू सौरभ जी। अगला कमेंट है, अगला कमेंट है अंकित सिंह, जो कि मेरे देवर जी हैं। मैं बता दूं आप लोगों को गाइस, मेरे देवर जी का नाम अंकित सिंह है और ये दिल्ली में रहते हैं और कल परसों में मेरे ख्याल से पहुंच रहे हैं, तो इनको भी इंक्लूड करेंगे ब्लॉग में, ये भी आएंगे ब्लॉग में। इन्होंने लिख रखा भी है फुल सपोर्ट, और ये सपोर्ट करते हैं, हर हमेशा मेरे साथ रहते हैं, जहाँ मैं जाता हूँ मेरे साथ साथ जाते हैं घूमने फिरने मौज मस्ती करने। थैंक यू अंकित जी। और अगला कमेंट है आदित्य सिंह का, बहुत खूब। थैंक यू आदित्य सिंह। अब आगे का कमेंट मेरे हस्बैंड जी पढ़ेंगे क्योंकि बेबी मेरा रो रहा है। चलिए आप स्टार्ट कीजिए, मैं आ रही हूँ। तो अगला जो कमेंट है वो है सीमा कुमारी का, अच्छा ब्लॉग है भाई। थैंक यू सीमा जी। नेक्स्ट कमेंट जो है YM टेक्निकल, YKM टेक्निकल। इन्होंने लिखा है आई रियली enjoyed दिस वीडियो, एक्सीलेंट वर्क। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स लॉट, जो आपका ये कमेंट आया है काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है हमें, और होप आपको और एक्सीलेंट वर्ड सुनने का हमें मौका मिले और अगले भी ब्लॉग्स में। विवेक कुमार, दिस इज ऑल्सो रियली गुड, कीप इट अप। थैंक यू विवेक। नाजिर आवान, नाजिर आवान मेरे एक दोस्त हैं। इन्होंने लिखा है कीप इट अप, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी फैमिली। थैंक यू नाजिर, थैंक्स अ लॉट। प्रिया, जो लास्ट कमेंट है वो है प्रिया सिंह का, इन्होंने लिखा है नॉट लास्ट, इन्होंने लिखा वाओ अमेजिंग, हाउ ग्रेट एंड एन्जॉयबल द ब्लॉग इज। थैंक यू प्रिया जी, थैंक्स लॉट, आपने जो कमेंट दिया है इससे हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला कि जो ब्लॉग है। गाइस इसमें काफ़ी लोगों ने लिख रखा है, कमेंट दे रखा है कि मैंने जो देखा काफ़ी लोगों ने कमेंट दे रहा है कि अपने फैमिली से मिलवाइए, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताइए। हम एक एक करके धीरे धीरे आपको इंट्रोड्यूस करवाते जाएंगे अपने ब्लॉग में अपने फैमिली मेंबर से। हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली है, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, हमारे मम्मी पापा हैं, अंकल आंटी हैं, दो अंकल हैं, दो आंटी हैं, उनके उनके बच्चे हैं। एक एक करके हम आपसे सब सब सबसे मिलवाएंगे। स्टे ट्यून्ड विथ अस। तो दोस्तों अभी घड़ी में टाइम हो रहा है 10 और हमने खाना खा लिया। होप आप सब ने भी, काफ़ी लोगों ने खाना खा लिया होगा। तो खाना खा के हम ऊपर आ जाते हैं सोने के लिए। अभी तो कोई सोएगा नहीं क्योंकि सारे बच्चे अभी खेल रहे हैं और हमको भी हमें भी नींद नहीं आ रहा है। तो मैं मिलाता हूँ अपनी मैं अपनी बेटी से। ये है मेरी बेटी। हेलो बोलो बेटा, नमस्ते करो, नमस्ते करो। हेलो हेलो, नमस्ते करो। ये बिजी है अपने मोबाइल में। इसका ध्यान नहीं है इस मोबाइल पे क्योंकि ये अपने मोबाइल में बिजी है, अपना वीडियो देखने में बिजी है, शॉर्ट वीडियो देखने में बिजी है। हम अभी मस्ती करेंगे अभी 11-12 बजे तक। ये लोग सोएंगे नहीं, जब तक ये सोएंगे नहीं तब तक हम भी नहीं सो सकते। तो अभी ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा। बेटा नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते कर दो, नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते करो। हाँ नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो। इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। इसका ध्यान अभी अपने मोबाइल की तरफ है। मोबाइल में एक्सपर्ट है मोबाइल चलाने में और देखने में, ठीक है। जब भी इसको मोबाइल मिल जाए ये उसी में लगी रहती है। गाइस ऐसे ही चलते रहता है हमारा। गाइस मिलते हैं आप थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों घड़ी में अभी समय हो चुका है 12, बच्चे सब सो गए हैं इसलिए हम भी सोने जा रहे हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। लेकिन दोस्तों लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।